क्या यार क्या कर रहे हैं, अगर देखना है वो तीन लड़के खड़े हैं, वो इतना ड्रिंक कर रहे हैं, चाहो तो गाना गा के खड़े हैं। वीडियो है, वीडियो है। अरे जगन्नाथ रोजाना इनको मार मार के भगा, थोड़ी फोर्स वगैरह मंगाओ ना, आप तो अकेले पड़ जाते हो। मतलब सर ये तो जनरल प्रॉब्लम लग रही है या नहीं लग रही? एक लेडीज माँ बहन कोई नहीं है मैंने, और ये सिर्फ इन दो से हुआ, तीसरे से इतनी प्रॉब्लम पहले नहीं नहीं थी। एक से कौन थी? वो एक से बिल्कुल इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, हमें 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। वीकडे पे होता है वीकेंड? नहीं नहीं, शाम को 6 बजे फोन नहीं उठाएंगे, इन्होंने मना कर दिया। अभी तक फोन बात करते हैं, आप किसी से आप करते हो? नमस्कार सर, कन्हैया बोल रहा हूँ सर, कांस्टेबल कन्हैया बोल रहा हूँ सर, वीडियो प्लेट से। ये सर MLA साहब है भारत का, हाँ पार्टी से MLA है, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं भारतवाद की, आप पार्टी से हैं? सौरभ भारद्वाज। हाँ हाँ, ये विधायक है सर, उनसे बात करें। हेलो जी, नमस्कार। ऐसा था, हम ना एक यहाँ पे सभा के लिए आए थे, तो लोग यहाँ पे ले आए, यहाँ पे DDA फ्लैट्स में 3 वाइन शॉप्स हैं, और आपके कॉन्स्टेबल साहब कन्हैया जी, तो यहाँ पे जो कितने लोग हैं, करीब 150 लोग हैं जो अलग अलग कॉलर में सामने खड़े हैं, लोकल रेजिडेंस कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो मतलब इसकी वजह से पूरी न्यूसेंस है, रात भर शराब पीते हैं, यहीं पर बोतलें फोड़ते हैं। तो क्यों ना कल हम लोग मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन कर लें शाम को, तो कल हम आते हैं नहीं थे शाम को 8 बजे ही सही समय होगा, क्योंकि उस समय ये सब लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे फिर हम स्टेप्स देखेंगे क्या क्या लिए जा सकते हैं आपकी सहूलियत। आप SHO साहब को भी इतला कर दीजिएगा, आई कॉल्ड हिम बट आई थिंक ही वाज बिजी, कुडंट टेक माय कॉल, तो आप एक सेटअप कर लीजिए और यहाँ पे कल 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कल हम लोग 8 बजे यहाँ पे मिलेंगे, SHO साहब भी, मैं भी आऊँगा, आप लोग भी आइएगा, सामने इंस्पेक्शन करेंगे और सामने स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे कि क्या करना है। कल तो खाली मिलेगा क्या आपको? कल खाली हो जाएगा, सारा कुछ खाली मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ ना 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 वो पीने वाले नहीं होगा, उनको तो पता है कॉन्सेप्ट, हाँ ये रहते हैं, ये तो लगे रहते हैं। क्या होगा कि आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा स्टाफ और बुलवाएंगे ताकि न्यूसेंस, हाँ वो इनको और स्टाफ दिलवाते हैं। Right, right.
एक इस पार्क में इस पार्क का हाल देखिए हमारे जो कांग्रेस आ रहे हैं कुछ समय में आ गए वो बिल्कुल नए नए करते हैं कि यहाँ तक वो वोटिंग के लिए काम करेंगे जब तक एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाता दो अलकनंदा के अंदर एक और डीडे फ्लैट के अंदर दो हमसे ये कहा जाता था कि जिस दिन अलकनंदा के कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद शादी के लिए प्रोग्राम ये खत्म हो जाएगा लेकिन आज उसको एक साल से ऊपर हो गया है और यहाँ पर जब जिस दिन शादी होती है डीजे बजता है शराब यही पीते और यहीं पर खड़े होकर हम लोगों के बातें करते हैं यहाँ के लोगों की शादी नहीं होती है तुगलकाबाद से होती है वो पता नहीं मदनगिरी से यहाँ की लोकल कोई ना के बराबर शादी है तो आपको निवेदन है जी इस पार्क को हमारे डेवलप किया जाए ताकि माता बहन बैठे कुछ झूले लगवा दो इसमें कुछ बच्चों के लिए बच्चे खेल पाए कुछ नहीं है कुछ देखिए इनका सामने घर है भाई साहब बताइए आप समस्या सामने है सर मैं बच्चों को भगा भगा के मतलब करता रहता हूँ भगाता रहता हूँ यहाँ से पुलिस का कोई राउंड नहीं पुलिस का कोई राउंड पुलिस का राउंड यहाँ पे जो सर ये करेंगे देखिए मैं दही तक की मेरी चोरी हो गई मैं डिपार्टमेंट से ना यहाँ के लिए झूले दही तक की चोरी हो गई लोगों की कारों में से एक दिक्कत आई झूले लगने में एमसीडी की एनओसी चाहिए होगी जी वो आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके या प्रेशर करके आपको वो कराना पड़ेगा जैसे आप कहेंगे आप रास्ता बताए चलेंगे जैसे आप रास्ता कि मतलब कि वो एमसीडी से एनओसी की दिक्कत आई वो कहेंगे कि हमें नहीं देनी एनओसी आप क्यों लगवा रहे हो उसके लिए ऐसा होगा इसको पार्क मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट के तरीके होते हैं एक दूसरे को वो करने के वो तरीका आएगा इसमें बट हम कराएंगे इसका बिल्कुल हम तो जैसा सौरभ जी कहेंगे तैयार है ये जो 20 साल से यहाँ की पूरे डीजे फ्लैट के लोगों गाड़ियाँ इसमें खड़ी होती थी 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ताला मार दिया गया है जी और इस ताले के लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट करी है उनसे लेकिन इस ताले को नहीं खोलते 20 साल से हाँ जी गलत तो नहीं कह रहा कुछ सही बात कह रहे अब हमारी गाड़ियाँ अंदर नहीं खड़े होने दी जाती हालांकि हमने इनको कहा ऐसी समस्या आती है कि रात को अगर भगवान ना करे इंसिडेंट किसी के घर हो जाए तो वो इमीडिएट हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता नहीं जा सकता यही मर जाएगा कहाँ गाड़ी भगवान ना करे किसी के लेकिन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो इमीडिएट बंदा हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच सकता जैन जी जो जय साहब है आप उनको सुबह एक बार सुबह बात कर रहे हैं जी आलोक जैन जी को आप ये बोल देना की भैया जब इतने सालों से उनको छोड़ वहाँ भी छोड़ दो इधर आ जाओ ठीक है ये आप देख लीजिए आओ जी वो बताया था मैं एक दिन आया था मतलब अभी टाइम देखेंगे तो 8:00 बजे ट्रैफिक अभी ये गाड़ी अगर निकालनी है तो गारंटी है ये गाड़ी नहीं निकल सकती बिल्कुल नहीं निकल सकती सही बात कह रहे हैं इनमें से कोई गाड़ी नहीं निकल सकती जबकि ये गाड़ियां बड़े पोलाइटली अंदर खड़ी होती थी जब ये काम हुआ था सारा ये सारे जगह काम हुआ था एक ये टुकड़ा बचा है जिसको रिपेयर नहीं कर रहे आज भी मैं गया था जो ठेकेदार काम कर रहा था ना उसने मुझे एक बीटी सी गोली दी कि जी ये PWD का काम है ये NCD का काम नहीं है और मतलब गोली देके उसने मुझे वापस कर दूसरा सर ये देख लीजिए क्या क्या मेन ये जब ये नाला रोड बना था ना सारी रोड बनी थी अंदर की तो ये नाली का स्लैब डल गई सर ये रफ क्यों छोड़ दिया मतलब एक कलंक दिखाने के लिए यहाँ से जब वहाँ रोड बन सकती है जहाँ ये बाइक है वहाँ तक जहाँ ये इस टाइम स्पीड ब्रेकर में खड़ी है तो ये क्या बोला कि NCD सर वही तो बात है तो 60 फुट से चौड़ी रोड है ये एमसीडी का इलाका है बात कर रहा है ये देखिए हम ये चाहते हैं अगर ये यहाँ बन सकता है तो क्या 30 फुट और आगे तक नहीं बन सकता ये पिछले 4 महीने से एजिटी छोड़ रहा है एक मिनट इतने परेशान हैं हम लोग के कोई भी गिरता है मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाता है ऐसे लगता है कि यहाँ तो 5 लोग रहते हैं और वहाँ दूर कास्ट रहते हैं सही बात है मैं क्लियर बिल्कुल 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 वो कर दिया अच्छा इसलिए छोड़ा हुआ कि लोग जाए ना यहाँ से बिल्कुल गंभीर सही कह रहे हैं बिल्कुल गंभीर कभी कभी गलत कहते हैं पब्लिक तो परेशान है कि इससे है किसका काउंसलर का है कि MLA के MPP का है ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम एक नहीं है आप एक महीना रह के दिखाएंगे देखो जी ये किस लिए लगा रखे हैं बताओ कैसे जाते हो
अब जब बारिश आएगी बुजुर्ग रह रही है, एक मिनट, यहाँ ये बुजुर्ग रह रहे हैं, अगर आप विदाउट रेंट यहाँ एक महीना रह के दिखा देंगे हम आपकी गुलामी करेंगे। ये नीचे वाले मकान सबकी समस्या है, सबकी नीचे वाले मकानों में सबकी है, एक इनकी नहीं है। फर्नीचर कहाँ जाता है ये बात हम पिछले 10 साल से काउंसलर साहब को कह कह के थक गए हैं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये समस्या हमारी वही की वही है। ये नीचे के सारे मकानों की समस्या है, ये नहीं है कि इनकी सभी, लेकिन सभी इनको 100% है, बाकियों का शायद 99% है। ये सबसे डाउन एरिया आ जाए उधर कम इधर से सिवर देखते हुए जाना, फिर बाहर निकल जाए। इसका हल कुछ नहीं किया गया, पर्सनली हम ही लोगों को ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर करते करते ये सीवर लाइन चेंज नहीं हुई। यहाँ ये ब्लॉक होता है एक और इसके बीच में एक कनेक्टिंग 4 इंची की लाइन है। मैं मानता हूँ आज से 40 साल पहले ये फ्लैट बने थे या 50 साल बने थे, उस समय लोड इतना ज्यादा नहीं था, अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोड भी बढ़ गया। तो प्लीज ये लाइन यहाँ से और वहां से जब आगे जा रही है इतना ये सारे जिलों में ऐसे थी, सारे जिलों में हाँ सभी में, यहाँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ सारे ब्लॉक में 20 से 53 ब्लॉक तक ऐसे ही 20 से 53 ब्लॉक में हर ब्लॉक में है। ये बात अलग है, किसी में आ जा जाती है, किसी में प्रॉब्लम कहाँ चला जाती नहीं हो सकता ये अभी भी गीला है क्योंकि अब छुट्टी हो चुकी है।